अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है एसिम्प्टोट्स। इसका कुछ हिस्सा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, लेकिन आज हम उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं और उसके बाद हम अगले टॉपिक के साथ उसको ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे पास एसिम्प्टोट लाइक क्या है, आपका फर्ज करें कोई फंक्शन है f(x), और अगर आपने उसका ग्राफ बनाया है तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप का बन गया, लाइक ये ग्राफ है और ये कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस भी हो सकता है, इसके अलावा भी कोई लाइन। अब ग्राफ अगर इसके साथ साथ ऐसे पैरेलल मूव कर रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो ये जो लाइन है जिसको मैं कट कर रहा हूँ ये इस कर्व के साथ एसिम्प्टोट हो जाएगी। सो दिस लाइन इज एसिम्प्टोट टू f(x)। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारे पास कोई कर्व है और ये एक स्ट्रेट लाइन इसके साथ साथ ऐसे पैरेलल मूव कर रही है ऊपर को, ठीक है, ऊपर वाले डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो ये वाली लाइन है ये f(x) के साथ एसिम्प्टोट होगी। एक लाइन जो ग्राफ के पैरेलल मूव करे लेकिन ग्राफ को टच ना करे, ऐसे ही पैरेलल चलती जा रही है और ये ग्राफ भी इसके साथ ऐसे ऐसे पैरेलल चलता जा रहा है लेकिन ये एक दूसरे को टच नहीं करे, ऐसी लाइन को कहते हैं एसिम्प्टोट लाइन। अब विद द हेल्प ऑफ लिमिट इसको कैसे फाइंड आउट करना है, ये थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था, उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं आज दोबारा से। ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर हम फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें इन्फिनिटी और उसका कोई ना कोई आंसर आ जाए बी, तो ये जो बी है ये बेसिकली वाई इक्वल्स टू बी एक एसिम्प्टोट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप ये वाली डेफिनेशन अप्लाई कर दें, लाइक अपने दोनों चेक करने होती हैं, प्लस इन्फिनिटी भी और माइनस इन्फिनिटी भी, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि दोनों के ऊपर ना आंसर आपके पास डिफरेंट आ जाता है, सेम नहीं आता। प्लस इन्फिनिटी के साथ डिफरेंट आंसर आ जाता है, माइनस इन्फिनिटी के साथ डिफरेंट आंसर आ जाता है, तो जो भी है वो दोनों या वो सेम अगर आ जाए तो एक वो एसिम्प्टोट होगा, जैसे इस एग्जाम्पल में देखिएगा, ये हमारे पास f(x) था, हमने क्या किया इसकी लिमिट फाइंड आउट कर ली एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा नेचुरल वे क्या होता है कि हम इस फंक्शन में ढूंढेंगे मैक्सिमम पावर कौन सी है, तो जो मैक्सिमम पावर हमारे पास एक्स स्क्वेयर है तो हम एक्स स्क्वेयर से न्यूमिरेटर ऊपर वाली वैल्यू को भी डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी 5 + 8/x -3/x2। ठीक है, सारी ऊपर वाली वैल्यूज को एक्स कैसे डिवाइड किए, सिमिलरली जो नीचे वाली वैल्यू उसको भी डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 3 + 2/x2। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे इन्फिनिटी, तो ये वाला हिस्सा ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला हिस्सा ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला हिस्सा ज़ीरो हो जाएगा, फाइनली आपके पास ये एक 5 बच जाएगा और यहाँ से एक 3 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने आंसर डायरेक्ट लिखा हुआ है ये वाला, और इसकी वर्किंग जो है ना ये और ग्राफ वगैरह ये पीछे एग्जांपल में गिवन आप ऊपर देख सकते हैं। सिमिलरली जब आप माइनस इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपके पास आंसर यही आ जाता है। ठीक है, अब जरा इसका एक दफ़ा ग्राफ देख ही लेते हैं। ये देखिए ये फंक्शन था हमारे पास, ये ब्लू वाला ग्राफ है और ये जो रेड लाइन है ये 5/3 है, ये 5/3 वही लिमिट फाइंड जो की थी ना उसका आंसर 5/3 आया था, तो ये लाइन है वाई इक्वल्स टू 5/3। अब ये जो लाइन 5/3 है ये बेसिकली एसिम्प्टोट है, हमारा ग्राफ इसके साथ साथ ट्रेवल करेगा लेकिन वो कहीं भी इसको टच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये लाइन है वाई इक्वल्स टू 5/3, ये एसिम्प्टोट है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इस एसिम्प्टोट को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्योंकि ये ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, इसके बाद ये एग्जांपल ज़रा खुद देख लीजिएगा, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस कर लिया था, ज़रा रिव्यू करके बस आगे जाना चाह रहा हूँ कि क्या डिफरेंस क्या है। अच्छा जी, ये है हमारे पास ओब्लीक एसिम्प्टोट, स्लांट लाइन और ब्लीक एसिम्प्टोट का एक ही मतलब है। इसमें क्या होता है, वेन यू आर गिवन अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन लाइक दिस एंड इफ इट इज इम्प्रॉपर,
इम्प्रॉपर मतलब कि आपके पास जो ऊपर वाली वैल्यू जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ये वाली वैल्यू, इसमें अगर एक्स की वैल्यू बड़ी आ गई है, और जो डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू उसमें अगर एक्स की पावर कम है, छोटी है, तो वो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। ठीक है, ऐसे केस में जब हमने लिमिट फाइंड आउट करना होता है, जिसको लाइक हम ओब्लिक एसिम्प्टोट कह रहे हैं, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये यहाँ पे डिवाइड किया हुआ, ये सिंपल डिवीजन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे पहले इन्होंने क्या किया, एक्स बाई टू को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा, ये 2x। ठीक है, इस तरीके से ना एक्स बाई टू को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से 2x-4, तो सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो ये हमारे पास ये आ गया। फिर हम क्या करते थे, साइन चेंज करते हैं, जब साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, और जब इसका साइन चेंज होगा तो ये प्लस में आके पास ये 2x ये आ गया। देन ये 3 को नीचे आपने शिफ्ट किया है, और उसके बाद इनके कोफिशेंट्स और ये पूरी पूरी वैल्यू सेम आगे, इसको 1 से फिर डिवाइड किया है, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो मजीद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं कि ये हमारे पास कोशेंट है, ये जो वैल्यू, ये रिमाइंडर है, और ये हमारे पास होता है डिवाइज़र। तो जब हम डिवाइड कर लेते हैं उसको, किस तरीके से लिखते हैं, क्यू प्लस आर ओवर डी की फॉर्म में। ठीक है, तो इसको जब हमने इस तरीके से लिखा, तो देखिए हमारे पास ये आ गया, क्यू प्लस आर की जगह पे वन, डिवाइजर की जगह पे ये। अच्छा, अब ये जो हमारे पास लीनियर टर्म आ गई है, जिसको ये क्वोशन्ट बोलते हैं, ये वाली टर्म, इसको छोड़ दें, बाकी जो रिमाइंडर आ गया हमारे पास ये वाला। ठीक है, अगर आपने इसको एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट यहाँ पे इस वाले पे अप्लाई करें, और ये इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने से अगर ये गोज़ टू ज़ीरो हो जाए, तो जो शुरू वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये हमारे पास उसका ना ये स्लांटेड लाइन, या उसका जो है ना एसिम्प्टोट बन जाता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखिए, यहाँ पे ये बना हुआ ग्राफ, ये था, इसको डिवाइड किया तो ये और ये बन गया। तो ये जो लाइन है ना, बेसिकली ये हमारे पास ये रेड वाली लाइन ये शो हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया स्लांट, स्लांट एसिम्प्टोट, और इसको बोलते हैं ओब्लीक एसिम्प्टोट। ओब्लीक मतलब कि कोई ना कोई एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, आपने क्या किया, उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इस टर्म को देखिए, उन्होंने रिमाइंडर लिखा हुआ है, ये पूरी की टर्म, इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें एज एक्स अप्रोचेस टू इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी दोनों में से, और आंसर आपके पास आ जाए 0, तो फिर जो ये पहली वाली टर्म है, ये आपके पास एसिम्प्टोट बन जाती है। इस एसिम्प्टोट को हम कह देंगे कि ये ओब्लिक एसिम्प्टोट है। ये हमारे पास एग्जाम्पल 12 में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस गिवन है, और इसकी लिमिट्स हमने फाइंड आउट की हुई हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम डायरेक्टली 2 अप्लाई कर दें लिमिट, तो ये 2-2 पर 0 आ जाएगा, नीचे 4-4 0 आ जाएगा, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक्स के -4 का सिंप्लीफाई किया, एक्स प्लस 2 -2 हो गया, और ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आगे पास ये वैल्यू आ गई। अब अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये आगे पास लिमिट अप्लाई करने से आ जाएगा 0/4, तो ये आंसर आ जाएगा आगे पास 0। यहाँ पे देखिए, उन्होंने डायरेक्टली 0 लिखा हुआ है। अगर 0/4 आ जाए, तो ये एक फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन कभी भी 0/0 आ जाए, तो इसको आपने ना तो ये 0 के बराबर होता है, और ना ही इसको आपने ये 1 के बराबर लिखना है कि ये कट के 1 आ गया, ऐसा नहीं होता। सिमिलरली ये बाकी भी सारी जो इसके पार्ट्स हैं, इसी तरीके से सॉल्व किए हुए हैं, बहुत आसान से है। अच्छा जी,
ये भी एग्जांपल है, उसी तरीके से सॉल्व की हुई है, ठीक है। इसको मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर दें तो आपके पास उसका ना आंसर आ जाएगा। अगर मैक्सिमम से आपने डिवाइड नहीं भी करना हो तो आप एक्स कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो ये आस्क टू फाइंड द लिमिट ऑफ द रैशनल फंक्शन एज एक्स क्लोजर टू -∞, सो वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, की जो नीचे वाली वैल्यू उसके साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -∞। अगर आप उसको मैक्सिमम से भी डिवाइड कर लेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही आता है। अच्छा जी, अब आते हैं इधर, ये बीच में जो डेफिनेशन थी ये वाली, ये आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। हम आते हैं इस लाइन पे। डेफिनेशन है वो था हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में हमेशा आपके पास लाइन बनती थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और दूसरा जो हमने पढ़ा था ओब्लिक, तो वो कोई ना एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही होती जब लाइन, तो जब वो लाइन बना रही होती है कोई ना कोई थीटा, तो ऐसे वाले एसिम्प्टोट का हम कह देते हैं कि ये जो एसिम्प्टोट है ये क्या है, ये ओब्लिक एसिम्प्टोट है। अब हम पढ़े हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट में क्या होता है कि आपके पास फंक्शन गिवन है और फंक्शन के ऊपर आपने कोई लिमिट अप्लाई की और आंसर आपके पास प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाए, चाहे वो लेफ्ट लिमिट से आए चाहे वो राइट लिमिट से आए, तो उसको हम कहते हैं कि वो जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए ये वाला, वो आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फाइंड दी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में तो हम सिंपल लिमिट ही फाइंड कर लेते हैं ना। जैसे अगर हम सिंपल यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करें, तो अगर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करें एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो क्योंकि वो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पावर दोनों बराबर है, तो हम इसको एक्स से ऊपर भी डिवाइड कर देंगे नीचे भी, तो आपके पास आ जाएगा 1 + 3 over x, नीचे आ जाएगा 1 + 2 over x। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो आगे आंसर आ जाएगा 1। तो 1 जो है ना, ये बेसिकली इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ जाएगा ये वाला। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, तो ये एक एसिम्प्टोट आ गया। इसके आगे ग्राफ भी आएगा, मैं भी आपको शो कर दूँ। अच्छा, इन्होंने इसको कैसे किया, इसको डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद जो इसका सीन क्रिएट हुआ है मैं आपको शो करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास, जब आपने इस वाले फंक्शन के ऊपर, जिसको हम रिमाइंडर बोल रहे थे, ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये जैसे इस वाले एग्जांपल में आपने डिवाइड किया था, तो डिवाइड करने के बाद जो दूसरी टर्म आई थी क्यू आर ओवर डी वाली फॉर्म जो थी, ठीक है, तो उसके ऊपर लिमिट अप्लाई की थी जब आपने, तो आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए था। अब इस केस में ये, अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं टू एक्स अप्रोचेस टू -2, तो उस केस में ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अपनी तरफ से लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 अगर हम कर दें, तो ये वैल्यू जो ये एक्स प्लस टू है ये वाली वैल्यू, ये आ जाएगा 1/0 और ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये इन्फिनिटी हो रहा है लिमिट अप्लाई करने से, तो इसका मतलब है कि जो एक्स इक्वल टू अप्रोचेस टू था ना -2, तो इसका मतलब है एक्स इक्वल टू -2 हमारे पास जो है ये एक एसिम्प्टोट आ जाएगा। ये वाला कर्व अप्रोचेस द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एज एक्स अप्रोचेस टू द कर्व अप्रोचेस द वर्टिकल एसिम्प्टोट -2, ये कैसे आया वाला, क्योंकि यहाँ पे जब हम -2 ऑपरेट करते हैं तो ये जो वैल्यू है ये वाली, ये इन्फिनिटी हो जाती है। तो अगर ये इन्फिनिटी हो रही है, तो जिस वजह से इन्फिनिटी हो रही है, किस वजह से हो रही है, एक्स की वैल्यू -2 अप्लाई करने से, तो इट मीन्स ये आपके पास ना उसका वर्टिकल एसिम्प्टोट आ जाएगा। यही हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, मैं डेफिनेशन आपको दोबारा दिखाता हूँ ये वाली। ये देखिए, आपने क्या किया, एक्स अप्रोचेस टू ए लिमिट लगाई और आंसर उसका इन्फिनिटी आ गया, या फिर -∞ आ गया, चाहे लेफ्ट लिमिट से आए चाहे राइट लिमिट से आए,
तो ये जो होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, वही जो लाइन बनेगी ना एक्स इक्वल टू ए, उसका वर्टिकल एसेंट हो जाएगा। अब इस एग्जांपल में यहाँ पे आपको डायरेक्टली इन्होंने लिमिट कोई नहीं दी हुई कि आपने किस पॉइंट पे फाइंड करनी है, ये आपको खुद से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए आप लिमिट अप्लाई करोगे एक्स अप्रोचेस टू प्लस वन इन्फिनिटी, और वर्टिकल के लिए आप अप्लाई करोगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस टू। ये कहाँ से माइनस टू आया, ये वाला, ये माइनस टू यहाँ से आया कि अगर हम यहाँ पे माइनस टू लगा दें इस जगह पे, तो नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो हो रही है ना डिनोमिनेटर, क्योंकि ये ज़ीरो हो रहा है इसलिए हमें यहाँ पे वो वाला पॉइंट ले लिया जिसकी वजह से वो ज़ीरो हो रहा है। और फाइनली जब हमने अप्लाई किया है तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा सुने कि इस वाले फंक्शन के ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें एक्स अप्रोचेस टू माइनस टू, ये माइनस टू हमें कहाँ से पता चला, हमने इसी फंक्शन को देखा तो पता चला जब एक्स की जगह पे माइनस टू आएगा ना, यहाँ पे माइनस टू लगाएंगे तो ये वन ओवर ज़ीरो हो जाएगा और ये इन्फिनिटी होता है। तो क्योंकि ये एक्स अप्रोचेस टू माइनस टू के लिए इन्फिनिटी हो रहा है ये वाला हिस्सा, सो एक्स इक्वल टू माइनस टू भी एक एसिम्प्टोट हो जाएगा। और ये कौन सा एसिम्प्टोट होगा, ये वर्टिकल होगा। जैसे इस ग्राफ में देखें, ये जो लाइन है माइनस टू के ऊपर लगी हुई है, ये इसका आ गया वर्टिकल एसिम्प्टोट, और ये वाई इक्वल टू वन जब आपने लिमिट अप्लाई किया तो वहाँ से एक एसिम्प्टोट आ गया। ठीक है, इस सवाल में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एसिम्प्टोट आ रहे हैं। अच्छा, इसमें देखिए कहते हैं फाइंड दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। अच्छा ये देखें ज़रा इसमें क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करते हैं तो हमें ये लिमिट अप्लाई करना पड़ेगी आइदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अगर हम प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे अप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, और अगर हम माइनस इन्फिनिटी अप्लाई करें फिर भी वो ज़ीरो आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखा जरा। ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी पे भी यही आएगा। सो ये जो ज़ीरो आ रहा है ये वाला, ये वाई इक्वल टू ज़ीरो आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी जब लिमिट अप्लाई करते हैं उसको सॉल्व करने से जो भी आंसर आता है वो एसिम्प्टोट ही होता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम वर्टिकल एसिम्प्टोट पे। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए क्या करते हैं जी, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ना, हम इसको देखते हैं कि ये किस किस वजह से ज़ीरो हो रहा है। तो हमें पता चला ये एक्स इक्वल टू टू के लिए भी ज़ीरो है और एक्स इक्वल टू माइनस टू के लिए भी ज़ीरो है। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि जब वो ज़ीरो होगा तो फिर ये पूरी वैल्यू जो है ना ये इन्फिनिटी हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ज़रा, जब हम यहाँ पे प्लस टू अप्लाई करेंगे, ये देखें ज़रा, तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि प्लस टू अप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू प्लस होगी पॉजिटिव, तो ये माइनस की वजह से वो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। जब नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है ये नेगेटिव फिर इन्फिनिटी आएगा, लेकिन वो नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये जो एक्स इक्वल टू टू यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा, ये भी एक्स इक्वल टू टू ही है बेसिकली। उसका जो है ना वो चेक किया हुआ है लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, तो दोनों पे वो इन्फिनिटी आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास एक्स इक्वल टू टू, ये उसका वर्टिकल एसिम्प्टोट आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो आप माइनस टू अप्लाई करेंगे ना, तो अगेन यही सेम क्रिएट होगा, क्योंकि वो स्केयर है ना यहाँ पे, इधर अप्लाई करोगे जब स्केयर तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो आपके पास उसी तरीके से माइनस टू भी उसका एक एसिम्प्टोट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, ये टू के ऊपर ये एसिम्प्टोट जा रहा है, माइनस टू के ऊपर ये एसिम्प्टोट जा रहा है, सिमिलरली ये नीचे भी है। और ये वाला जो एसिम्प्टोट था वाई इक्वल टू जीरो, ये बेसिकली ये लाइन होती है। कभी पूछा रहे एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो उसका आंसर है वाई इक्वल टू जीरो। वाई इक्वल टू जीरो द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस
एंड सिमिलरली एक्स इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए ये कर्व है, तो इसमें हमारे पास ना ये, अगर हम इसको सिकंड को 1 आवर कोस कर रहे थे, कोस में जब भी ये यहाँ पे 90 आता है तो 0 हो जाता ना, तो 3π/2 आएगा, 5π/2, 7π/2, जब भी यहाँ पे π/2 के ऑड मल्टीपल्स आएंगे, मतलब ऑड मल्टीपल के, एक तो π/2 आ गया, उसके बाद 3π/2, फिर उसके बाद 5π/2, 7π/2 एंड अप टू सोन, ठीक है। जब इस तरीके से हमारे पास ये आएंगे ना ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो वहाँ पे हमारे पास जो कोज है वो 0 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो ऊपर वाली सारी की सारी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। ये इन्फिनिटी किस वजह से हो रही है? व्हेन एक्स अप्रोचेस टू π/2, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 3π/2, वो जितने भी ऑड मल्टीपल थे ना π/2 के, 5π/2, तो इस सारे को वो लिख देते हैं 2n+1 इंटू π/2। तो यहाँ पे जब भी आप एन की कोई वैल्यू लगाएंगे तो ये सारा का सारा जो है ना, ये आपके पास एक ऑड नंबर बन जाएगा। तो ऑड नंबर को यूँ लिखते हैं, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ जाएगा। तो हर दफ़ा ऑड मल्टीपल π/2 के लिए आपके पास एक वर्टिकल एसिम्प्टोट आ जाएगा। कैसे आता है वर्टिकल एसिम्प्टोट? के डिनोमिनेटर में किस वजह से 0 आ रहा है, जिस वजह से, जिस एलिमेंट की वजह से 0 आएगा, वो एलिमेंट आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस है, तो ये देखिए जरा वर्टिकल एसिम्प्टोट्स आ रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए डोमिनेंट टर्म जैसे ही है, इसको डिवाइड किया तो ये दो पार्ट्स बन गए, q+r/d की फॉर्म में। अब अगर हम यहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी लगाएंगे तो इन्फिनिटी लगाने से ये 0 हो जाएगा, ये रकम बच जाएगी, तो इन्फिनिटी लगाने से ये वाली टर्म ज़्यादा आएगी, क्योंकि एक्स की जगह पे आपने इन्फिनिटी लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्फिनिटी कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये आपके पास हो जाएगी उसकी डोमिनेंट टर्म, बड़ी टर्म, और ये हो जाएगी एलिमिनेट। सिमिलरली जब आप एक्स की जगह पे 2 अप्लाई, अभी तो हम इन्फिनिटी अप्लाई कर रहे थे ना, अब अगर आप 2 अप्लाई करोगे तो 2 अप्लाई करने से ये 0 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी, फिर इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी, तो उसके अकॉर्डिंग ये छोटी रह जाएगी। तो उस केस में जो है ना, वो ये वाली टर्म जो है, ये आपके पास डोमिनेंट टर्म होगी, बाकी डिटेल है यहाँ पे, ये गिवन है ये वाली। ठीक है जी, बाकी इसकी जो एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगा कि इसमें से कौन से सवाल हैं जो इससे रिलेटेड हैं, लाइक एसिम्प्टोट से रिलेटेड, ओब्लिक एसिम्प्टोट और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, जो बड़े इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। और इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह आगे टॉपिक जो डेरिवेटिव का वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।